रोड राजीव गांधी की पुण्यतिथि उसके ऊपर क्या कार्यक्रम रखा गया है और आज जीसीटीवीसी में क्या निर्देश मिले? आज हमारे प्रभारी सेक्रेटरी और प्रदेश अध्यक्ष और माननीय सीएम साहब इनकी वीसी थी सभी एमएलए और संगठन से, तो उसमें विशेष तौर पर कोविड पर पूरे राजस्थान में सत्ता और संगठन में आपस में मिलकर और इस राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि जो 21 मई को है उस दिन में कार्यक्रम चलना है। उस दिन में कम से कम बड़े कार्य लेवल पे ये कार्यक्रम करने होंगे। दो एम्बुलेंस के लिए कभी विधानसभा में एमएलए फंड से जहां आवश्यकता हो वहां एम्बुलेंस दी जाए और एक जो गरीब है जहां जिनके पास खाने की समस्या है, मजदूर है, रोज़गार नहीं लग रहा है, उनको खाने की किट, तो उसमें चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किट वहाँ गाँव में और शहर में हम कॉलोनी में और कच्ची बस्तियों में हम बांटें। और तीसरा है मास्क, पूरे राजस्थान के अंदर 10 लाख का टास्क दिया है, हम चाहेंगे कि हम विधानसभा में यहाँ 10,000 मास्क बांटें और जो भी कोविड पॉजिटिव है उन सेंटरों में जाएं, उनसे उनका संबंध स्थापित करें, उनको क्या समस्या है वहाँ की, मेडिकल की कहीं समस्या नहीं है, ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है या कोई दवाई की जो भी समस्या है उनके उनके समाधान के लिए उनसे हमेशा संपर्क में रहें। और गाँव में भी पर जो सर्वे हो रही है सरकार की तरफ से, हर मेडिकल विभाग करा रहा है, वहाँ पर सब जगह मेडिकल किट भी पहुँच रहे हैं। जितनी पीएससी सीएससी है वहाँ हम चाह रहे हैं कि सीएससी लेवल पे सब ये कोविड सेंटर शुरू हो जाए, वहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो और ये सारी व्यवस्था वहाँ मेडिकल की भी वहाँ सीएससी तक और सरकार की मंशा है पीएससी तक भी जाए और लोगों को वहाँ रिलीफ मिले और पंचायत मुख्यालयों पर, सब सेंटरों पर, सब जगह ये मेडिकल व्यवस्था करने के ये निर्देश भी दिए हैं और सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है और काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनका सोच है कि कोई भी मेरे राजस्थान में भूखा नहीं रहे, कोई भी दवाई या इलाज के कारण किसी की डेथ नहीं हो और उनकी सारी व्यवस्था किस तरह से हम करें, हम सबको ये निर्देश दिए हैं। और हमारे प्रभारी सचिव आदरणीय मौकन साहब, प्रदेश अध्यक्ष डोटासा साहब और सीएम साहब तीनों ने मिलकर, सत्ता और संगठन मिलकर हम ये हमें टारगेट दिया गया। आज मैंने दौरा किया, मुझे पहले से कुछ बेहतर लगा, कुछ पहली बार जो हमारा इमरजेंसी वार्ड है जिसके अंदर एक बेड पे 3-3 मरीज रहते थे, आज वहाँ इमरजेंसी में आधा वार्ड खाली रहा। और हालांकि पेशेंट तो पहले से बड़े हैं पर हमने उसकी व्यवस्था ये की है कि हमने कोविड सेंटर बढ़ाए और कोविड सेंटर के अंदर जो बालिका महाविद्यालय थी उसके अंदर हमने एक एक्स्ट्रा 40 बेड का जो कोविड सेंटर बनाया था उसके अंदर हमने करीबन वो भी भर गया है। एक कल हमने जूना केरड़ी रोड गडर रोड पे महावीर कोविड सेंटर जिसकी शुरुआत की थी उसमें भी 3-4 पेशेंट भी आ चुके हैं, वो भी हमने शुरू कर दिया है। और हमारा यही लक्ष्य है कि इसको हम सम्मिलकर किस तरह से इस कोविड महामारी में हम बच सकें, उसके लिए अभी ये तूफान की बात चल रही है, ये आपदा बहुत बड़ी आने वाली है, इसके लिए हम कैसे ऑक्सीजन का स्टोर कर रखें कम से कम 3-4 दिन का, उस किस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, किस तरह से विद्युत सप्लाई बाधित नहीं हो, ये सारी जनरेटर की व्यवस्था हो, सड़कों का आवागमन कहीं बंद नहीं हो, आने जाने के लिए ये कहीं पोल गिर जाए तो उसकी भी पूरी टीमें तैयार हो, मेडिकल विभाग से लेकर पूरा प्रशासन, कलेक्टर साहब ने पूरा दिन भी कल यही किया, राजस्थान सरकार में भी यही वीसी के माध्यम से सारी यही बात बताई कि हम आप पूरी तैयारी के साथ हम
कोई दिक्कत नहीं हो और इस कोरोना महामारी से लड़ें, आम आदमी को कैसे राहत दे सकें। और मुझे खुशी इस बात की है कि शायद ये कोरोना के पेशेंट अब कुछ कम इन दिनों में आएंगे तो जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि चारों ही तरफ सर्वे हो चुका, ये जमीन लेवल से लगाकर हमने सर्वे कराई है और जो भी पेशेंट है उसका हम सैंपल ले रहे हैं, टीकाकरण की भी काम चल रहा है, ये सारा कार्य एक साथ हम कर रहे हैं ताकि जनता को राहत दे सकें। भामा साहब अपना सब जगह ये डोनेशन दे रहे हैं, उसका भी हमें फ़ायदा है, जगह जगह जो आवश्यकता है, मेडिकल हॉस्पिटल में आज मैं गया, कुछ इंजेक्शनों की कमी थी तो उसके लिए मैंने कलेक्टर साहब से भी बात की, अभी कमिश्नर से भी बात की है कि हम कैसे वो इंजेक्शन मरीजों को बाहर से नहीं लाना पड़े, शाम तक हम उसकी व्यवस्था कर लेंगे। एक वो टेस्ट की बात ज़रूर आएगी, जो टेस्ट करने के लिए जो हमें किट्स चाहिए वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, 20 तारीख को आएंगे, 3 दिन है, वो किट आ जाएँ, किट्स आ जाएंगे, तो ये जो जाँचें भी हैं बाहर किसी को नहीं जाना पड़ेगा, हम प्रशासन और सब मिलकर आम आदमी को कैसे राहत दे सकें, सारी टेस्ट अंदर हो, सारी दवाई अंदर मिले, ये सरकार की मंशा है, हम चाहेंगे सारी अंदर इलाज हो।